Auto! 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 ये आयुष आया कि नहीं अभी तक? Lift! 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 फिक्र मत करो रोहित, आ जाएगा। चुप, चुप। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। दादाजी सब गए, अब वो नहीं तंग कर रहे। चलो। आइए दादाजी, बैठिए। दादाजी, आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दादाजी, आपका घर कहाँ है? घर कहाँ है? हाँ हाँ, हम पहुंचा देंगे, आप जाइए ध्यान से। हाँ जरूर। अरे बाबा, हम छोड़ देगा, जाने दो इनको। नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ दादाजी। हेलो। हेलो आंटी जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। वो आयुष आया नहीं अभी तक यहाँ पर। क्या वो घर से निकल चुका है? लेकिन वो कब का निकल गया? अभी तक उसे पहुँच जाना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, आंटी जी कह रही है वो निकल चुका है। हे भगवान, मेरी आयुष की रक्षा करना, बस उसे अपनी मंजिल तक पहुँचा देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर इंतजार नहीं करना चाहिए। डॉक्टर विद्याचरण ने कहा है। मेटन, आप लोग भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। डॉक्टर, आयुष्मान अब तक आयुष, ये मुझे दे। वाह, जाओ जल्दी अंदर जाओ। ऑल द बेस्ट। जाओ। क्यों आयुष्मान बाबू, आज फिर लेट? हाँ सर, दरअसल अब आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे, 2 घंटे नहीं। ये लो,
तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ओनली 1.5 hours. सवाल और है, जल्दी कर आयुष. आयुष्मान बाबू, आपका वक्त खत्म हो गया. 1.5 घंटे थे आपके पास, 2 घंटे नहीं. अब आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त के साथ जाकर डॉक्टर डालमिया के कैबिन में बैठिए. तब तक मैं आप लोगों के पेपर्स चेक करता हूं. चाहिए 2 सवाल बाकी. सवाल बाकी थे तो पहले आना चाहिए था आपको आयुष्मान बाबू. आयुष्मान, आपने बिल्कुल सही कहा था. हमारे बीच वाकई एक जीनियस मौजूद है. जैब बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया. डॉक्टर डालमिया, असली जीनियस तो यह है, इसे 98% मार्क्स मिले हैं. हाँ तो आयुष्मान बाबू, विश्वास नहीं हो रहा ना कि आपको पूरे 80% मार्क्स मिले हैं. विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि आपको 80% कहां से मिल गए. सर, आप प्लीज आयुष्मान की काबिलियत पर इतना शक मत कीजिए. नहीं नहीं, शक नहीं कर रहा हूं.
बल्कि ये कहना चाहता हूं कि इस छुपे रुस्तम को, मेरा मतलब इस होशियार बच्चे को एक और चांस मिलना चाहिए। सर, इसलिए मैंने फैसला किया कि इन दोनों को एक एग्जाम और देना पड़ेगा। वाह वाह, ठीक 4 घंटे के बाद हम सब यहां पर मिलेंगे। आप दोनों से सवाल जवाब करेंगे, उसके बाद दोनों एग्जाम के नतीजों को जोड़कर जिसके भी अव्वल नंबर आएंगे मैं उसी को डॉक्टरी की सर्टिफिकेट के काबिल समझूंगा। तो ठीक है, ठीक 4 घंटे के बाद 5 बजे हम सब यहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सर। आयुष्मान बाबू, आप भी। क्या हुआ आयुष, अभी भी तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं चला? हाँ, बहुत बड़ा जीनियस समझते थे ना अपने आप को तुम। वो क्या कहते हैं, हाँ, कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा। अब समझ में आया तुम्हें, तुम बस एक मजाक हो, एक मजाक। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत बुरी चोट खाओगे। मिस्टर जीनियस, के चक्कर से कुछ फुर्सत मिली है, सोच रहा हूं क्यों ना जरूरी काम निपटा लें। लेकिन पहले ये खेल तो खत्म कर लें, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में तो मैं काम तमाम कर दूंगा आपका। नहीं, पहले खरीदारी फिर ये खेल। डॉक्टर विद्याचरण, इस खेल को जीतने के लिए आपको अपने नहीं किसी ग्रैंड मास्टर के दिमाग की जरूरत पड़ेगी। हेलो जी, मैं हूँ, आपने दवाई ली? आयुष घर पर आया क्या? क्यों, वो तो डॉक्टर की परीक्षा देने गया था ना, वहां नहीं पहुंचा? एग्जाम तो दे दिया उसने, लेकिन रिजल्ट मिलते ही पता नहीं कहाँ चला गया। घर नहीं पहुंचा तो फिर कहाँ चला गया वो? शर्म के मारे कहीं छुपा बैठा होगा। 80% मिला है उसे, उसका दूसरा पेपर है। अब अगर वो घर आए तो उसे फौरन यहाँ भेज दीजिए। और सुनिए, मैंने किचन में आपके लिए खिचड़ी बनाकर रखी है, आप खा लीजिएगा। मैं रखती हूँ। हाँ, क्या हुआ आयुष, अभी भी तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं चला? हाँ, अब समझ में आया तुम्हें, तुम बस एक मजाक, एक मजाक। बहुत बड़ा जीनियस समझते थे ना अपने आप को तुम।
अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत बुरी चोट खाओगे। आयुष तू यहां बैठा है और वहां हॉस्पिटल में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे को मालूम था तू यहां आओगा। चलो उठ, चलते हैं। नहीं वैद्य, मैं नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा मतलब? अरे भाई 3 घंटे में वाइवा है ना। क्या फायदा वाइवा देके? अभी तक उनको तसल्ली नहीं हुई। देख आयुष, लोहे को लोहा काटता। हाँ मेरे लिए तो सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके ओके बाबा, जिप अप। ठीक है मैं जा रहा हूं, जल्दी आ जा। वेरी गुड मुन्ना, अच्छा किया उसे वापस भेज दिया। तुम मत जाना, बिल्कुल मत जाना, चाहे वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी जीत की उम्मीद लगाए बैठे, तुम मत जाना। अच्छी बात है, इस लड़ाई को यूं बीच में छोड़ देना बहुत अच्छी बात है। चलो अब तो तुम्हें जीनियस भी कोई नहीं कहेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूं मुन्ना, हमेशा के लिए, अब नहीं आऊंगा। बाय। क्या बात है सर, परेशान से लग रहे हो? जी नहीं, सब ठीक है। जी गुड। हे कम ऑन सर, इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब तुमने रिटन टेस्ट में 98% स्कोर कर लिए हैं तो वाइवा तो मामूली सा टेस्ट होता है। जब इतना अच्छा लिख सकते हो तो बोल भी अच्छा सकते हो। जी रिलैक्स, सिट डाउन सिट डाउन। वैसे मैं तुम्हें मान गया सर, मैंने इतना मुश्किल पेपर सेट किया था, इसके बावजूद तुमने तो छक्का लगा दिया। हा? कैसे जेब? हाउ 98%? आंटी फिक्र मत कीजिए, आयुष आ जाएगा। कब? तू तो उसे जानती है ना, बचपन से ही वो ऐसा ही है, अपने सारे दर्द को अपने अंदर ही छुपा लेता है, किसी के सामने कुछ नहीं कहता, कभी रोता नहीं। अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। मिसेस जायसवाल आप प्लीज परेशान मत होइए, आयुष कहीं नहीं गया होगा, इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से थोड़ी है आपका बेटा। अरे आंटी जी, आयुष तो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर वाइवा की तैयारी कर रहा है। देखा आज? और मुझे लग रहा था बस यूं ही बैठी रहेंगी तो यही सब सोचेंगी। आप चलिए मेरे साथ। बेटा मैं अभी आई। चलिए। चैम कैसा है? How are you? कहाँ है आयुष? ओ सोनिया, तुमने झूठ क्यों कहा कि वो कॉलेज लाइब्रेरी में है? रोहित, सोनिया और क्या करता मैं, वो आयुष वहां पर बास्केटबॉल पे सारा गुस्सा उतार रहा था, लेकिन फिकर नहीं, मैंने ना उसको एक ऐसा फिल्मी सेंटी डायलॉग चिपका दिया ना, वो क्या उसका तो बाप भी, अब बाप नहीं वो तो जरूर आए। मैंने पहले भी आपको कितने मौके दिए हैं मिस्टर लोबो,
आप भूल रहे हैं मैं आपका पुराना कस्टमर, जब भी शहर में आता हूं आप ही से मैं गाड़ी मंगवाता हूं, और एक आप हैं जो हमेशा कोई निकम्मा ड्राइवर को भेज देते हैं मेरे पास। दुकान कहां पे है और गाड़ी कहां पे पार्क करता है वो? वेट वेट का क्या मतलब हुआ? वेट ही तो कर रहा हूं मैं, पूरे 4 मिनट हो चुके हैं। क्या मतलब? बस का क्या मतलब होता है? बस 4 मिनट क्या होता है? अजी 4 मिनट में तो एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिया जा सकता है, 4 मिनट में एक हार्ट पेशेंट के बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, 4 मिनट में शरीर में जहर फैलने से रोका जा सकता है, और 4 मिनट में जान जान बच सकती है किसी की। 4 मिनट